करो, गौरव का सम्मान करो, देंगे चक देंगे, इक्का दुक्की तक देंगे, इक्का दुक्की तक देंगे, लोड पई ता चक देंगे, लोड पई ता चक देंगे, साडा हाथ इत्थे रख, साडा हाथ इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। जड़े जुवा राय पुसावा दे साडे साथी जड़े साडे बड़े भरा ला लोगे और जड़े डोगरा समाज ताई लड़ा दे छड़ा उस टोल का नुकसान जो छड़ा एक उन्हें राजपूत सभा लेनी आ सारे लोग जड़े भी लोग उधरों गड्डिया लेइए टपते सारे नुकसान उनकी इक्के डिमांड ही कि जिन चेर तक रोड नहीं बनता उन चेर तक इसी टोल की जो सस्पेंड किया जा रोड के सही नहीं है तो आखा दे जिन्हें चेर तक वो नहीं होंगे जिन्नी चेर तक ये बंद होना चाहिए और जिहड़ी भी मन मर्जी है अगर जनता चाहती है कि जनता के खिलाफ कोई फैसला जाता तो अगर आवाम भी अच्छा नहीं लगा रहा तो गवर्नमेंट की वो गल सुननी चाहिए कि भाई ये जरा गलत काम होवा दा इस करिए अस गवर्नर साहब अगे इे रिक्वेस्ट करने अर्ज करने कि इस चीज़ की जल्दी को जल्दी इसी बंद किया जा कि जेडे साढ़े राजपूत जोबा साहब थे जेडे उन्हें अंतर किए थे उन्हें छड़ाने वास्ते असर छोटा जहा अच जंतरा बिच एक ट्रेलर दसिया अगर ये गवर्नमेंट सरकार एल जी साड़ी गल ही अगर नहीं सुन या एदा कोई असर नहीं हो उन्हें नहीं छुड़िया आस से अपना जंदरा रोड का नैशनल हाईवे जोड़ा भी हो बंद कर देंगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहना निवेदन करना चाहना कि उन्हें नौजवानों की देशभक्त जवानों की जोड़े डोगरा समाज के लिए लड़ा दे उन्हें तुरंत रिहा साढ़े ग्रांड नियरेस्ट जोड़े भी हैं सारे किटे हुई है अज एक आजाद करा दे प्रोटेस्ट करा दे जोड़े सरोर दे विच लाए गए दा वह गैर कानूनी है जिहड़ा गैर कानूनी है तो उसी सरकार कौन सी चला करती है क्या सरकार की नहीं पता कि 60 किलोमीटर के दायरे च कोई टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए तो 40 किलो लेइए असं लुटी आ दे तो जिसल अस गल करने कि टोल प्लाजा उन्हें आख्या जी नैशनल हाईवे अथॉरिटी ने ला दा। आज जहाँ जिंदरा अमर क्षत्रिय राजपूत शाखा सभा के प्रेसिडेंट प्रकाश सिंह जम्वाल जी उनकी पूरी टीम ने जहां पे प्रदर्शन किया ये प्रदर्शन बन टूल प्लाजा जो सरोर का है बन टूल प्लाजा और सरोर टूल प्लाजा जो है जो लड़के बंद किए गए हैं जो जेल में रखे गए हैं उनकी सपोर्ट में जे आज जहां पे जिंदरा में ब्लॉक डंसाल के अंदर जो है जहां पे प्रदर्शन किया गया मैं बहैसियत सरपंच जिंदरा अनिल शर्मा हम लोगों ने भी इसमें शिरकत की और हम एडमिनिस्ट्रेशन से सरकार से और खसूसन तौर पे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी साहब से और हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब से हम अपील करना चाहते हैं गुजारिश करना चाहते हैं जम्मू के अंदर आज की तारीख में आग लगी हुई है जम्मू के अंदर आज डोगरा जो है वो अपने आप को एक जलालन महसूस कर रहा है आज डोगरों को दबाने की कोशिश जम्मू कश्मीर के अंदर की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की के द्वारा ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस वाहिसिल प्रेसिडेंट होने के नाते हम आज जो कल का जम्मू बंद है उस बंद में हम लोग भी पूरी पूरी सपोर्ट करते हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो जम्मू बंद के लिए सपोर्ट किया है हम उनको सपोर्ट करते हैं और इसके साथ साथ ऑल जम्मू और कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस वाहिसियत प्रेसिडेंट होने के नाते और वाहिसियत सरपंच जिंदरा होने के नाते हम तमाम पंचों सरपंचों से तमाम वीडीसी डीडीसी से जितने भी लोग तमाम पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हैं उनसे अपील करते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस मुहिम की सपोर्ट करें तमाम लोग सपोर्ट करें क्योंकि जे डोगरों के मान सम्मान की बात है तमाम डोगरों को आगे आना चाहिए चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो किसी भी बलादरी का किसी भी तबके का कोई भी शख्स जो है वो घर नहीं बैठना चाहिए तमाम लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए और अपनी मांगों को मनाना चाहिए। आज जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों की तादाद में स्मार्ट मीटरिंग लग रही है एक एक घर को 5,000 रुपया बिल आ रहा है क्या आप समझते हैं कि हमारे गांव में रहने वाले लोग 5,000 रुपया बिल देने के काबिल हैं नहीं हैं और
एक डिमांड हमारी और है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाली गई है कि जो टैरिफ, जो किराया, जो रेंट हमें एक यूनिट जो है 3 रुपये कुछ पैसे की मिलती थी, अब एडमिनिस्ट्रेशन इस तैयारी में है कि उस यूनिट को बढ़ाकर 7 रुपये कुछ पैसे करने वाली है। आप मान के चलिए आज जिन लोगों का बिल 5000 आ रहा है वो 10000 आने वाला है। इन मुद्दों पर और प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे पर हम तमाम लोग जो हैं इस मुहिम का, इस एजिटेशन का हम सपोर्ट करेंगे और सरकार को ये कहना चाहते हैं ये तमाम ऑर्डर जो हैं, जो जनता विरोधी ऑर्डर हैं, चाहे स्मार्ट मीटर हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे सरोड टोल प्लाजा हो, चाहे बंद टोल प्लाजा हो, इनको जो है बंद करना चाहिए। और जब तक रोड नहीं तो टोल नहीं, हम टोल तब तक नहीं देंगे जब तक आप रोड मुकम्मल नहीं करेंगे। आज ब्लॉक डंसाल के अंदर तमाम लोगों ने, आपने देखा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों ने एकजुट होकर ये एजिटेशन जो जम्मू में चल रही है उसकी सपोर्ट की है।